तो फेल गेम फैमिली एक बहुत ही ज्यादा डरा देने वाले गेम जिसका नाम है द बीस्ट इनसाइड, उसके एपिसोड 8 में आप सभी का स्वागत है। और ऐसा है ना कि मैं हर गेम के स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि अगर आपने इसके पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो वो सारे एपिसोड्स देख लो, तब आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आएगी। पर बीस्ट इनसाइड में मैं ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर आपने इसके पुराने एपिसोड्स देखे भी हैं उसके बाद भी इस गेम ने इतना ज्यादा सस्पेंस बनाया हुआ है ना कि आपको कहानी ऐसे भी कुछ समझ में नहीं आएगी। फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसके अगर आपने स्टार्टिंग से एपिसोड मिस करे तो उसको देख लो, काफी डर गेम है भाई ये। तो लास्ट एपिसोड में निकोलस को डिटेक्टिव गिलमैन का भूत मिल गया और वो भूत निकोलस को मारने भी जा रहा था, पर उस अनजान हैट वाले आदमी ने एक बार फिर से निकोलस की जान बचा ली। और अब निकोलस को ऐसा लग रहा है ना कि ये हैट वाला आदमी वही है जो इन सब मर्डर्स के पीछे है, और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि इसके पापा जेकब हाइड है। और प्रेजेंट टाइम में एडम को पता चला ना कि निकोलस की फैमिली और उसकी फैमिली एक ही है, और इसलिए ये निकोलस पर दादा है एडम का। और अब एडम को निकोलस के बचे हुए डायरी के पेजेस ढूंढने ताकि पता चल सके कि आखिर वो खूनी था कौन। तो रूम की लाइट ऑन कर लो, आज के गेम से स्टार्ट होने जा रहा है। अच्छा, एडम ही के ऑफिस में एक ऐसा खुफिया कमरा है ना जिसके बारे में एडम को भी नहीं पता है, तो उसी को ढूंढना है अभी। तो एडम को ये खुफिया कमरा अब चेक करना है, क्यों? पर ऑब्वियसली खुफिया कमरे के अंदर कुछ अच्छा तो होगा नहीं। ये खुफिया कमरा निकोलस का कमरा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव देखो क्या लिखा हुआ है, सर्च निकोलस रूम। ओ भाई साहब, ये खुफिया कमरे में निकोलस क्या करता था? इस पे लिखा हुआ है पापा माँ बेटा मौत झूठा चोर मॉन्स्टर मैं और वो। भाई ये निकोलस वो किसके बारे में बोल रहा है? मैं लंबी यात्रा करता हूँ बिना चले, ह्यूमन इज इक्वल टू बीस्ट, इंसान एक बीस्ट है। अच्छा भाई, क्या क्या लिखा हुआ है निकोलस ने? मैं जिससे भी मिलता हूँ उसके दो चेहरे होते हैं, एक इंसान का चेहरा और दूसरा चेहरा बीस्ट का। तो शिकार करना बहुत ही मजेदार गेम है, निकोलस ने ऐसा क्यों लिखा है भाई? वो खूनी निकोलस का बाप नहीं कहीं निकोलस ही है क्या? क्या लिखा हुआ इस डायरी में? तो इस डायरी में निकोलस ने लिखा है कि मैंने बहुत बार माफी मांगी लेकिन वो मुझे फिर भी पनिश करते हैं, यानी कि निकोलस के पापा। तो निकोलस जब भी कोई गलती करता था ना तो उसके पापा उसको पीट कर एक अंधेरे कमरे में उसको बंद कर देते थे, और बेचारा वही सोच रहा है कि मुझे अंधकार से बहुत ज्यादा डर लगता है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैंने इस बार क्या गलती की। लगता है मैंने यहाँ पर जन्म लेकर ही गलती कर दी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं, और ये बात नहीं है कि मैंने कुछ गलती करी है, बस मैं यहाँ पर हूँ ना, और इसलिए मेरे पापा चाहते हैं कि उनकी जिंदगी से मैं निकल जाऊँ, उनके लिए बस मैं एक बकवास चीज हूँ। तो निकोलस ने एक बहुत ही अजीब सपना देखा कि ये होटल में बिना कपड़े के दौड़ गया और वहाँ होटल में रहने वाले गेस्ट के ऊपर चिल्लाने लगा और ये गेस्ट इससे डरने लगे, और निकोलस सोचा कि वो लोग तो मुझसे बड़े हैं, वो लोग क्यों डरे हुए हैं। और निकोलस ने खाना खाते टाइम एक प्लेट तोड़ दी और इसके पापा को लगा कि जानबूझ के तोड़ा है, जबकि निकोलस ने वो प्लेट जानबूझ के नहीं तोड़ी थी। तो निकोलस कुछ महीनों के बाद डायरी में लिखता है ना कि वो यहाँ अकेला नहीं है, वो आदमी भी यहाँ घर में घूम रहा है, और इस आदमी के यहाँ रहने से निकोलस को अच्छा लग रहा है या नहीं ये इसको भी नहीं पता। और ये जो आदमी ये कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ हंसता रहता है, और निकोलस इसकी तरफ नहीं देख रहा है, नीचे देख रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। तो एक महीने के बाद निकोलस लिखता है ना कि ये काफी अच्छा लड़का है, मैंने सोचा था कि ये अच्छा नहीं है लेकिन मुझसे काफी अच्छा बर्ताव करता है, और एटलीस्ट मेरे साथ कोई तो रहता है ना जब मैं जंगल जाता हूँ। और निकोलस आगे लिखता है कि मैं अपने पापा को इस बारे में नहीं बता सकता वरना वो बहुत गुस्सा करेंगे। और फिर एक महीने बाद निकोलस लिखता है कि आज की भी वही कहानी है, पापा ने मुझे फिर से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया है, लेकिन इस बार ना मैं अकेला नहीं हूँ, वो लड़का भी मेरे साथ है, और मैंने उस लड़के को बताया कि मेरी कोई गलती नहीं, ये मेरे पापा की गलती है, और वो मुझसे नफरत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैं पैदा ही नहीं होता कभी। और शुरुआत में तो इस लड़की ने मेरे पर यकीन नहीं किया, फिर बाद में बोला कि मैं सही हूँ और मुझे बोला कि चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एडम के घर के ना दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है भाई। Someone's at the door. तो ऐसा लग तो रहा है कि निकोलस और वो हैट वाले आदमी का भूत यहाँ पर भी आ गया है। यहाँ ये क्या क्या भूत वाला सीन चल रहा है, ये पता नहीं खुफिया एजेंट क्यों आ गया, इसी का पीछा कर रहे थे ना हम लोग। पर ये निकोलस के डायरी की पेजेस क्यों छुपाएगा खुफिया एजेंट? ये खुफिया एजेंट नहीं है। तो निकोलस को ऐसा लग रहा है कि ये हैट वाला आदमी उसके पापा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लड़का कौन था? वो लड़का मुझे लगता है कि भूत है, और निकोलस को इस घर में मिल गया, और जितना भी मर्डर्स हुआ है ना तो इसी लड़के के भूत ने मारा होगा सबको, ताकि वो लोग निकोलस को कोई चोट ना पहुंचाए, क्योंकि वो निकोलस का दोस्त बन गया था ना। पता नहीं भाई क्या एंड तक समझ में नहीं आएगा। The man in the
mask. It's him. My father. Why is he protecting me? What is he trying to tell me? तो निकोलस अभी भी यही सोच रहा है कि मेरे पापा जो कि इतने जालिम आदमी थे, मेरे को इतना तकलीफ देते थे, वो मुझे क्यों बचा रहे हैं? वो मुझे क्या बोलना चाहते हैं? और ये जो लाइटर है, ये डिटेक्टिव गिलमैन का है, और डिटेक्टिव गिलमैन की मौत यहीं पर हुई थी, और वो जिस औरत से मिलने आया था ना, मारिया से, जिसके पास सबूत था इस फैमिली के खिलाफ, वो डिटेक्टिव इस औरत से कभी मिल ही नहीं पाया। तो डिटेक्टिव लेटर में लिखता है ना कि इसके पीछे पीछे माइंड में कोई आया और डिटेक्टिव इस माइंड में भुला गया है, और डिटेक्टिव मिलने वाला था माइंड से निकल के मारिया से, लेकिन यहाँ से कभी निकल ही नहीं पाया वो। What secret of the hides? What did we hide? It creeped out at night. But what and where? I don't get it. What does it have to do with the missing people and the accident? I must talk to that woman. Especially since the detective couldn't write down her testimony. It's been 10 years. I hope she's still alive. तो डिटेक्टिव को मरे में 10 साल हो गया। 10 साल पहले डिटेक्टिव मारिया से मिलने आया था ताकि वो हाइट फैमिली के खिलाफ, यानी कि निकोलस की फैमिली के खिलाफ सबूत दे सके। और निकोलस सोच रहा है कि रात में ऐसा क्या निकलता था जिसके बारे में मारिया बात कर रही थी, और ये लोग जो गायब हुए हैं उससे मेरे परिवार के राज का क्या लेना देना है। तो डिटेक्टिव तो मारिया से मिला नहीं, लेकिन निकोलस जा रहा है मारिया से मिलने ताकि पता चल सके कि हाइट फैमिली का ऐसा राज क्या है। तो ऐसा है कि पानी में ज्यादा देर नहीं रह सकते, और पानी में कुछ है। अब भूत है, मॉन्स्टर है, पता नहीं क्या है, लेकिन पानी में कुछ तो है। I can hear someone who's not here. It must be the woman who wrote to the detective, Maria. तो निकोलस को मारिया की आवाज सुनाई दे रही है, और मारिया बोल रही है ना कि उस आदमी की आत्मा ना बहुत ही ज्यादा काली थी, और मैंने उसे एक आदमी की जान लेते हुए भी देखा है, और इसलिए गॉड से मैं प्रे करने लगी कि गॉड हम सबको बचाए। तो इस हैट वाले आदमी को ना खून करते हुए देखा है मारिया ने। मारिया जिंदा होगी क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता भाई। अभी तक एक भी आदमी जिंदा मिला है निकोलस को, याद करने दो। नहीं, एक हैटी वाला आदमी मिला था जो कि खुद भूत है, और उसके अलावा जितने भी लोग मिले सब मर चुके थे पहले ही। जज नॉर्टन हो, डिटेक्टिव गिलमैन हो, तो ये मारिया भी मर गई होगी। I should stay away. तो निकोलस बोल रहा है कि पानी के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा है, शार्क टाइप का लग रहा है, पता नहीं, लेकिन भूत ही होगा ऑब्वियसली। पर दिक्कत ये है ना कि पानी से होकर जाना है मुझे। ये जैसे ही हटेगा ना दौड़ जाऊंगा मैं। I'm only safe on land. तो जब तक लैंड पे रहूंगा कुछ नहीं होगा। यहाँ पानी के अंदर दो दो है भाई, क्या है, बहुत बड़ी मछली है क्या या भूत है? प्लीज अंदर मत खींचना पानी के। ये पानी के अंदर मॉन्स्टर देखकर ना रेसिडेंट इविल 4 की याद आ रही है। याद है ना, उसमें भी पानी के अंदर एक मॉन्स्टर था, लेकिन यहाँ पानी के अंदर दो दो मॉन्स्टर है। भाई साहब मारा, मुझे मारा, काटा था मुझे, पता नहीं भूतनी की आवाज आई। पानी के अंदर मॉन्स्टर नहीं, भूतनी है भाई पानी के अंदर। तो ये पानी वाली मॉन्स्टर या भूतनी जो भी है, इसको पत्थर फेंक के डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है। चलो अच्छा है, तो जहां भी मुझे जाना है ना उसके अपोजिट साइड में मैं पत्थर फेंकूंगा और दौड़ जाऊंगा। कैसा आइडिया है? ये
मारिया के घर पहुंचते पहुंचते ना निकोलस मर जाएगा भाई, फिर डिस्ट्रैक्ट करो। ये अच्छी बात है कि काटने से मैं मर रहा नहीं हूं। He cursed me and banished me from the parish. Lord, ye know I ain't lying. Ye know the old man gave me no time when my husband got killed in the mine. Oh, Lord, may that old bastard and all of his kin cursed forevermore. तो मारिया का कहना है ना कि पादरी ने भी मेरे पर यकीन नहीं किया कि जेकब हाइड एक खूनी है, और उस हाइड ने मुझे एक रुपया नहीं दिया जब मेरा पति उसी की माइन में मरा था, और इस मारिया ने ना निकोलस के पूरे खानदान को श्राप दे दिया है हमेशा हमेशा के लिए, आगे जो भी आएगा उनके ऊपर भी श्राप लगा है। भाई साहब भूतनी खड़ी भी है, वो मारिया तो नहीं हो सकती। ऐसी टेढ़ी टाइप की मारिया क्यों खड़ी रहेगी? ना 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 भाई, मैं नहीं जा रहा वहां, मैं नहीं जा रहा, लेकिन जाना पड़ेगा। तो ऐसा है ना कि हेडफोन लगा के मत ही देखना, क्योंकि भूतनी का कभी भी चिल्लाने का आवाज आ सकता है। मैं तैयार हूं, मार दो मुझे, मार दो, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, कोई मारे तो सही। देखो इतना तो आप सबने भी गेम देख लिया, आपको भी पता होगा कि अचानक से भूतनी कूदेगी, तो इस बार हम लोग नहीं डरेंगे। चिल मारो, भूत कूदे भूतनी कूदे, डरना मत। मैं अपने आप को भी समझा रहा हूं, रात के 3 बज रहे हैं। पानी से होके जाना है, यानी कि कांड तो होगा भाई। जिसने भी इस गेम में म्यूजिक दिया है ना, उसको हॉरर मूवीज में काम करना चाहिए। ये पानी से भागने वाला जो सिस्टम है ना, प्लीज अच्छा नहीं है भाई, इसको बंद करो। अब बजाना पानी से, मरते मरते बचा है निकोलस, लेकिन कब तक बचेगा? अब तो पानी के बीचों बीच आ गया हूं मैं। ऐसे ऐसे दरवाजा भाई, पागल है भाई ये गेम। बस बस किडनी में हार्ट अटैक आते आते बचा है भाई, ये बोर्ड किसने बनाया? मिलवाओ मुझे उससे। क्यों क्यों ऐसा जंप स्केयर इतना भी नहीं डालने का कि आदमी सही में जंप कर जाए? पत्थर फेंको, डिस्ट्रैक्ट करो, और ये बंद होने लगा। ओ टाइम का भी सिस्टम है, बढ़िया। तो मेरी गलत फहमी थी कि इसके काटने से मैं मरूंगा नहीं, 2-3 बार जो भी मॉन्स्टर है मार देगा या काट देगा तो मर जाऊंगा मैं। पत्थर पहले पे, नहीं नहीं पहले खोल लेते हैं, ठीक है।
निकोलस बेल्ट टाइट कर ले और दौड़ भाई। तो ऐसा है ना कि पानी के अंदर अब 4-5 मॉन्स्टर नजर आ रहे हैं, यानी कि पानी के अगर मैं नीचे गया तो अभी तो मर जाऊंगा मैं, तो फिर आगे कैसे जाऊं? पत्थर भी नहीं है यहाँ पर, ऊपर भी नहीं जा रहा भाई, नीचे जाना है क्या? निकोलस गिरना मत भाई। ये वाला जंप ऐसा नहीं लगा कि मैं पानी में जाने वाला हूं, लेकिन कोई बात नहीं, बच गया निकोलस। अरे बाप रे बाप, अभी तो मारिया से मिले भी नहीं है तो ये हाल है, मिलेंगे तो पता नहीं क्या होगा। The mechanism raising the bridge must be somewhere close. तो ब्रिज को नीचे करने के लिए ना क्रैंक यहां पर मिसिंग है, उसी को खोजना है, यही कहीं आसपास ही होगा। Now I can lower the bridge. तो बस जिंदा ऊपर पहुंच जाना है, उसके बाद ब्रिज को खोला जाएगा। तो तेल खत्म हो रहा है लैंप में, पहले केरोसिन भर लेते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। ये ब्रिज बंद क्यों होने लगा? अच्छा कोई बात नहीं, अब तक तो मारिया के घर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है। तो फिर पानी से होते हुए जाना है क्यों? गंदी हरकत करना स्टार्ट कर दिया, भागना है मेरे को। तो यही कमी रह गई थी कि सब कुछ टूट कर निकोलस के सर पे गिर जाए। नहीं नहीं मार डालू मुझे। भाई मैं क्या करूं, कोई सीढ़ी बड़ी दिख रही है क्या? तो पानी में एक लाश नजर आ रही है, उससे दूरी चलो भाई। मारिया की लाश थी क्या? पता नहीं, समझ में नहीं आया, आदमी की लाश थी या औरत की लाश थी, जो भी है। अब उस मॉन्स्टर ने पीछा छोड़ दिया है, फिलहाल के लिए साइड से होके निकलते हैं।
ऐसे ही रात के 3:30 बजे आदमी डरा हुआ ऊपर से ऐसे ऐसा म्यूजिक, जरूरत नहीं थी ऐसे भी मुझे डर लग रहा। अरे मां कसम, ये आ गया फिर से, ये सफेद भूत याद है स्टार्टिंग से पीछा कर रहा था, अभी हंस रहा है क्या ये भैया, हंस रहा है या पता नहीं एक्सप्रेशन लेस लग रहा है मुझे, इसी के पास जाना, बताता हूँ इसको मैं। हाँ मुझे पता था ये गैप हो जाएगा, इसीलिए तो मैं इतनी हिम्मत से गया था, पता होता ये आ रहेगा तो मैं ऐसे थोड़ी जाता। वैसे जाना तो आगे ही है, लेकिन यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ कुछ मिसिंग है क्या, कुछ उठाना था यहाँ से, मतलब नोट्स, ये सब ऐसे नोट्स लेने के लिए तो बोला नहीं गया है, बोला गया है मारिया के घर जाना है फिलहाल। मारिया क्या क्या भूत पाल के रखा है क्या अपने घर में? इस मारिया ने श्राप दिया था हाइट फैमिली को, उसकी वजह से निकोलस के साथ भी ऐसा हो रहा है और अब एडम के साथ भी ऐसा हो रहा है, पता नहीं श्राप की वजह से ऐसा हो रहा है या नहीं पता नहीं। ये सफेद वाले भूत के स्टाइल देख रहे हो, काफी स्टाइलिश भूत है भाई, इससे डर नहीं लगता, अचानक से जो कूदता है ना उसमें आदमी घबरा जाता है, कितना भी आप एक्सपेक्ट कर लो लेकिन अचानक से मुंह पे भूत कूदेगा, भूत छोड़ो कोई भी कूदेगा तो डर लगेगा। Lord, save me from the fiend that keeps roaming the woods. I know who he is. I saw him unmasked. तो मारिया का कहना है ना कि हाइट फैमिली मुझे धमकी दे रही है और मुझे जाने नहीं दे रहे क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मैं सब कुछ उनके फैमिली का राज जानती हूँ, और ये डिटेक्टिव मुझसे मिलने आ रहा है और मुझे लग रहा है कि ये अच्छा आदमी, ये मुझे बचाएगा, और ये गॉड से प्रे करिए कि उस शैतान से मुझे बचाइए जो रात में जंगलों में घूमता है, और मैंने उसे मास्क उतारते हुए देखा है, मैं जानती हूँ कि वो आदमी कौन है। Someone nailed Maria's dog here to scare her? I just hope she herself is alive. तो निकोलस का कहना है कि मारिया के कुत्ते को किसी ने मारकर यहाँ पर गाड़ दिया ताकि मारिया डर जाए, और निकोलस उम्मीद कर रहा है कि मारिया जिंदा हो, ऑब्वियसली जिंदा नहीं है, क्या बात कर रहा है भाई तू, इतना इतना भूत देखने के बाद भी सोच रहा है कि वहाँ ये औरत जिंदा होगी। ओ भाई साहब, रोने का आवाज आ रहा है, भूतनी ऑब्वियसली भूतनी थी, ऐसे कौन औरत भागती है। तो मारिया का भूत इधर ही किधर घूम रहा है, और जो भी मारिया के साथ हुआ है उसके पीछे निकोलस के परिवार का हाथ है या फिर उस हैट वाले आदमी का हाथ है, जो भी है तो मारिया उसका गुस्सा निकोलस के ऊपर उतारेगी, यानी कि एक और बॉस फाइट होने वाला है, तैयार हो जाओ। बॉस फाइट क्या मतलब, भागो फाइट, भाग भाग के मारना रहेगा भूतनी को। ये मारिया के घर, इसके अंदर जाना, ओके? No one has lived here for years. The woman claims she knew our family's dark secret. I have no idea what the hell she meant, but maybe there's something left. Some records, anything. I'll search the place while I'm here. तो मारिया डिटेक्टिव का इंतजार करते रह गए, लेकिन डिटेक्टिव कभी आया ही नहीं क्योंकि वो माइन के अंदर मर गया था या उसको किसी ने मार दिया पता नहीं, और अब ना मारिया के घर की तलाशी लेनी है मुझे ताकि पता चल सके कि हाइट फैमिली का क्या राज था। तो मारिया लेटर में लिखती है कि ये हाइट फैमिली के दिन अब गिने चुने हैं, और ये लोग पछताएंगे कि मेरे पति के मरने के बाद कुछ पैसे मुझे क्यों नहीं दे दिए, मैंने बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं मांगे थे। और अच्छा, निकोलस के दादा यानी कि जेकब हाइट के पापा ने इसको इतना जोर से मारा था ना मारिया को, और मारिया प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा मर गया था, निकोलस का दादा भी बदमाश था, वाह। और निकोलस ये लेटर पढ़ने के बाद सोच रहा है ना कि मेरे दादा ने जो हरकत की मारिया के साथ, कहीं इसलिए तो मारिया हम सबसे इतना गुस्सा नहीं थी और हमारे परिवार की तबाही चाहती थी, और मारिया ने इतने इतने जो इल्जाम लगाए उसके पास किसी भी तरह का सबूत नहीं है, और मारिया ने सही में मेरे पापा को खून करते हुए देखा है, या फिर वो ये सब कहानी बना रही है ताकि हमारा परिवार बर्बाद हो सके और जेल में जा सके। तो चलो देखते हैं घर में और क्या क्या है। तो यहां से बाहर जाने को बंद कर दिया गया है, बहुत बढ़िया, बाहर नहीं जा सकता मैं।
ये भी बंद है, यहीं जाना पड़ेगा। You! How dare you come here? Go away! In the name of Christ, be gone, Satan! मारिया के घर पे दावत रखोगे तो मारिया तो आएगी मारने के लिए, भागो यहाँ से। तो कुछ देर के लिए राहत मिली है। Before I leave, I should look for some kind of written record. Maria might have left notes about the events from the past. I just need to make sure she doesn't see me. तो जान पे बनी हुई निकोलस की, लेकिन मारिया से छुपकर उसके नोट्स चुराने। मारिया बोलती है निकोलस को कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की, शैतान यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो निकोलस के दादा की वजह से जो बच्चा नहीं मर गया वो भी रो रहा है। तो मारिया की इस लेटर से पता चल रहा है निकोलस को कि निकोलस के पापा का एक और बेटा था, और निकोलस सोचा कि अगर मेरे पापा का एक और बेटा था तो मुझे पता नहीं रहता अगर वो एक ही घर में रहता तो। तो मारिया का कहना है कि ये जो खूनी है वो जेकब हाइट का बेटा है और उसी के बेसमेंट से निकलता है और वो खून में लथपथ था। तो जिस लड़की के बारे में लिखा नहीं था निकोलस ने, निकोलस के साथ रहता है वही खूनी है, या पता नहीं भूत है या इसका जुड़वा भाई है, कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। Door's locked. I can't lockpick it. Maria always has the key on her. Maybe if I'm careful enough, I can steal it from her. तो ज़्यादा कुछ नहीं, इस डोर को खोलने के लिए मारिया के पास से चाबी चुरानी होगी। बहुत अच्छा। You thought I wouldn't know that I'm just a blind old witch and no one would believe me? तो मारिया के पति के मरने के बाद निकोलस के पापा ने पैसा क्यों नहीं दिया, इसी बारे में निकोलस सोच रहा है। Lord, take their souls. Take their souls. भाई लोग, आप में से कितने लोगों ने इविल डेड, पुरानी वाली इविल डेड देखी है? वैसा ही घर और वैसी ही टाइप की चुड़ैल नहीं लग रही है? अब उसके पास से मुझे चाबी चुराना है, भूत के पास से सामान कौन चोरी करवाता है? तो इस मारिया का कहना है कि तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा, मैं सिर्फ एक अंधी चुड़ैल हूँ और मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, यही सोचा था ना तुमने? तो मारिया बार बार यही बोल रही है कि किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, मुझे पता है। क्या पता है तेरे को? छोड़ते लेने गया, चाबी लेके भागो यहाँ से। तो ये बात कंफर्म है कि ये जो खूनी है ना, ये जेकब हाइट नहीं है, यानी कि निकोलस के पापा नहीं है, ये वही लड़का है जो निकोलस के साथ रहता था। तुम्हारी चुड़ैल अजीब अजीब हरकत करी, यहां से निकलते हैं भाई। This must be the way out, but I should search the house and find the remaining notes before I get out of here. Evil, for you know what they have done. For we are one, we are one. तो निकोलस को भी कम जिंदगी में चुल थोड़ी है भाई। मारिया के जितने भी नोट्स हैं ना, सब लिए बिना जाएगा नहीं है, ठीक है? इसको भी CID आज ही खेलना है, खेल ले भाई। गलती से मारिया ऊपर आ गई ना, वाट लगा देगी दोनों की। Dear Lord, I pray to thee, I pray to thee. Give me salvation. Gouged out. You will not escape the Lord's punishment. Your sins will be revealed. तो निकोलस के पापा ने ना सिर्फ इस औरत को पैसा नहीं दिया, बल्कि अपने दोस्त जज नॉर्टन से इसको धमकी भी दिलवाई। This must be the last note. This isn't just an abandoned house. Something terrible has happened here. I can feel it.
The evil here is palpable. That woman has been dead for a long time. And she won't rest until she kills me. I must get out of here as fast as I can. तो निकोलस को महसूस हो रहा है कि इस घर में बहुत गंदा कांड हुआ है और ये औरत बहुत पहले से मरी हुई है। Take their souls. Take their souls. May they burn in hell. May they burn in hell. No, no, take their souls. But it's not a fact because I am here and I can see it. I can see them all. And I know what's going on and they don't know it. I know. यहाँ तो मारिया उड़ के नहीं आ सकती है ना। चलो यहाँ से निकलते हैं। तो मारिया को जो भी मारने आया होगा ना, इस क्रॉस से मारिया ने खुद को बचाने का ट्राई करा लेकिन वो बची नहीं। तो अब इनसे लड़ना है, ओके? What have you seen? Tell me. Who killed those people? Who blew up the mine? What is my family secret? Tell me. It wasn't Old Hyde. The detective was wrong. It was him who killed the devil himself. Wherever there's violence and tragedy, there's you. Wait! Stop! You hear me? तो मारिया के भूत ने डूब के मरने से पहले निकोलस को बताया कि डिटेक्टिव गलत था। जेकब हाइट ने किसी को नहीं मारा है, बल्कि इस शैतान ने मारा है, इस हैट वाले शैतान ने। और अभी इसका पीछा करना है निकोलस को। तो फिर ये फैमिली जो इसका नेक्स्ट एपिसोड होगा ना, वो इसका लास्ट और फाइनल एपिसोड होगा, तभी शायद पता चलेगी कि ये जो हैट वाला आदमी ये आखिरकार है कौन। आप लोग भी गेस करो बिना नेट पे देखे हुए। जिसको कहानी पता है वो स्पॉइल मत करना, और जिसको नहीं पता है वो गेस कर सकता है। मैं भी गेस कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि ये भूती है, और क्या होगा। तो चलो मैं मिलता हूं इसके नेक्स्ट और लास्ट एपिसोड में, और RDR2 का कोशिश करूंगा कि कल एपिसोड आए, नहीं तो परसों पक्का है। चलो टाटा, टेक केयर, बाय बाय।